झूठ के झूठ बोल रहा था, इसीलिए मैंने आपको हाजा सब चैलेंज किया। आप पाजी सफदर के बेटे हैं तो ले आओ असल 40 फॉर्म, और जो आपके पास जाली है वो भी ले आओ। यही अवाम असल फॉर्म और झूठे फॉर्म देकर फैसला करेगी। मैं अब भी कहती हूँ शिकस्त को मान लो, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कुरान पर हाथ रखकर कहा था कि ये मेरे रिचलन है, वही कुरान आपको चैन से बैठने नहीं देगा। देख लेना, मैं कहती हूँ अब भी मान जाओ, वक्त है, क्योंकि मैं अपनी अम्मा जी के बैठ जाऊं, मैं शिकस्त कबूल कर लिया तो बेहतर है। वो कुरान आपको खौफ दिलाएगा, आपको नींद नहीं आएगी। वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, आसमानों पर सहीफे आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत ली कुरान को मुकम्मल करके अपनी उम्मत ली छोड़ा। आप भी हाथ रखिए कुरान के ऊपर, याद रखो मैं अपने गले का हार आपको दे, आप जीत जाएंगे। कुरान के ऊपर हाथ रखो, उस कुरान पर हेदिनस्सिरातल्मुस्तकीम, सीधे रास्ते वाला कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना, तो हाथ रख के कह देना कि माँ जी हार चुके हैं, मैं जीते हूँ, ये मेरे फार्म है, मैं अपने फार्म भी जिधर कहोगे लेके आ जाऊंगी, वहाँ फैसला खुद दिखाएगी असली और नकली में कितना फर्क है। गैरत खाओ, असली और नकली में गैरत खाओ, गैरत खाओ, शर्म खाओ, मैंने चैलेंज किया था आपको, क्या मोहतरम ख्वाजा सफदर साहब के बेटे हैं तो लेके आओ। चोर जो होता है ना वो नहीं आता, ये जीत इमरान खान की है, ये सीट इमरान खान की है, शहर सियालकोट इमरान खान का है, लोग मोहब्बत करते हैं इमरान खान से। देख लो, मैं चैलेंज करती हूँ, ले आओ 45 फॉर्म, मैं खड़ी हूँ, मेरे सारे असली हैं, तो इसीलिए मैं बहादुरी से आई हूँ। तो आप शिकस्त कबूल कर ले तो बेहतर होगा, किसी बगैरत डाकू ने भी कभी माँ का घर नहीं लूटा। आप कौम के मुजरम है, कौम के मुजरम है, ये शहर सियालकोट देखो आज भी मेरी कार पर कितने लोग आए, क्योंकि सच के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला इनको भी अच्छा रखा।